तो आज जो भी ब्लॉग हुआ। तो गाइस जब भी आप नए नए जगह पे आते हो ना गाइस, आपको वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम पुणे। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो आज जो भी ब्लॉग होगा गाइस वन प्लस से होगा, बिकॉज मैंने जब अपना लास्ट फुटेज जो लास्ट ब्लॉग का जो मैंने ट्रांसफर किया सब डेटा, वो ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। एंड उसके बाद मेरा SD कार्ड करप्ट हो गया, सो उस वापस मेरे को उसके लिए रिपेयर के लिए देना पड़ेगा फॉर माई SD कार्ड एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस आई हैव टू ब्लॉग अगेन विथ वन प्लस माई विच इज़ माई फोन। सो अभी हम लोग इधर भी ब्रेकफास्ट के लिए आए एंड वी हैव आवर विवेक ऑल्सो ऑन यू। गुड मॉर्निंग गाइस। सो टुडे इज़ गोइंग टू बी बिग डे, बिग डील। कितना टाइम तक बिजी होने वाले हो आपको ब्लॉग में अपडेट देते रहेंगे, बट अभी पहला हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर लिख लेंगे टुवर्ड्स आवर मिशन। जैसे कि आपने देखा हम लोगों ने अभी पोहे खाए थे। सो सर अपना इधर का रेस्टोरेंट का ही है, तो आपका नाम बता दीजिए सर जी। अरविंद कुमार। तो कहाँ से आप? MP मध्य प्रदेश। तो ये वाला रेस्टोरेंट का लोकेशन जरा बता दीजिए अपने ऑडियंस को जो अभी आना चाहते हैं इधर। कैफे करोगा MC पुणे में। हाँ, तो जब भी आप आ रहे हो तो इजीली आ सकते हो। बहुत टेस्टी पोहे खाए। थैंक यू सर जी। ओके ओके। गाइस अभी ये वाला फुटेज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब कि ऑलमोस्ट मैंने कितना 11 बजे के आसपास मैंने शूट किया था, ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए गाइस ये फुटेज को रिकॉर्ड करते हुए। सो अभी मैं दिखाता हूँ टाइम कितना हुआ। अभी बज रहे हैं, पता नहीं कैमरा में समझ रहे हैं कि नहीं। सो नाउ इट्स अराउंड 3:10। सो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपना लंच के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाला भूख लगी है। तो हम लोग वही अभी ढूंढ रहे वेयर टू फाइंड एंड सो ऑन गाइस। सो गाइज अभी जस्ट लंच वंच हो गया गाइज, मतलब कि इट वॉज रियली मतलब कि भूख ज़्यादा लग गई थी ना गाइज। इधर मैं खाली आपको सॉस दिखाया, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। हम लोग ने वेज पुलाव खाया, मतलब सुबह हम लोग ने नाश्ता तो किया, पता नहीं अचानक से क्यों होता भूख लग गई। सो नाउ वील बी गोइंग टू अनदर प्लेस। तो गाइस जब भी आप नए नए जगह पे आते हो ना गाइस, आपको एड्रेस ढूंढने में इतना टाइम लगता है ना कि यू हैव टू आस्क टू द लोकल्स। कभी कभी गूगल मैप्स भी सही डायरेक्शन नहीं बताते, सही डायरेक्शन इन द सेंस पूरा घुमा ही देता है। तो हम लोग कभी कभी लोकल से भी पूछना बेटर लगता है, क्योंकि कभी कभी गूगल मैप इधर का चीज़ को भी उधर से घुमा के डेस्टिनेशन में पहुँचाता है। 3:30 हो चुके आई थिंक। सो अभी अपना हम लोग वापस मार्केटिंग के लिए वापस आ चुके हैं ऑन द फील्ड, जस्ट फाइंडिंग द प्लेसेस वेयर टू गो एंड वेयर विच प्लेस टू विजिट। वन मोर थिंग गाइस, कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो ना किधर भी प्लेस में, उस प्लेस को थोड़ा सा वॉक अराउंड करने में भी जो मज़ा है ना वो अलग ही है। कि अपना का सुबह से वॉक अराउंड करते करते लोकल से बात करते हुए प्लेस को ढूंढते हुए एक्सपीरियंस करते हुए हम लोग पूरा प्लेस को जान रहे, और देखते देखते हम लोग भले मार्केटिंग के निकले, उसमें देखते देखते आपके लिए एक अच्छा ब्लॉग भी निकल गया होगा अभी, और आप वॉच आउट कर ही रहे होंगे। सो इतना अच्छा है ना, मतलब कि एक नया नया स्ट्रीट में वॉक करने में अलग ही मज़ा है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी बाइक और कार लेके आते हो, सबसे पहली टेंशन जो होती है आपको इज़ नोन एज पार्किंग मिलेगा नहीं मिलेगा, वही टेंशन होती है। फिर अगर फाइन आ गया तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस हम लोग अभी है मार्केट एरिया में, और
शाम भी ज़्यादा हो चुकी है तो उसके लिए ज़्यादा भीड़ भी है। आई डोंट नो कैमरा में समझ रहा है कि नहीं। और आई नीड टू क्लीन माई लेंस ऑल्सो बिकॉज उसमें फॉग अप ज़्यादा हो रही है। सो हम लोग अभी ऑफिस ढूंढते ढूंढते इतना टाइम लग रहा है ना, अभी शायद अभी कुछ ही देर में मिल जाएगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग एक अलग ही स्ट्रीट में आ गए। सो मतलब इधर आने का मतलब चल के आने में ये फ़ायदा होता है कि यू गेट टू एक्सप्लोर मोर प्लेसेस एंड मोर एक्सप्लोर कर सकते हो आप अच्छा खासा, और फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हो। एक गाड़ी बाइक में क्या हो जाता है कि आप जल्दी जल्दी पास ऑन हो जाते हो, तो वही सब इतना अलग स्ट्रीट फीलिंग हो रहा है। इट्स नॉट फीलिंग दैट दिस इज़ इन पुणे, मतलब एक अलग ही वाइब्स है। मुंबई में ऐसा मार्केट कभी मैंने देखा नहीं है। सो एकदम अलग ही वाइब से इधर, मतलब आज चल के आना इज लाइक अ वॉट इट, इधर आना रियली रियली अ ग्रेट थिंग टू कम आउट हियर। और इधर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम मार्केट स्ट्रीट मार्केट चालू और पार्किंग वगैरह उधर, ये सब बॉम्बे में तो आई थिंक सो नहीं होता होगा। अगर होता होगा तो डू लेट मी नो गाइस इन कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि जब आप चल के जाते हैं ना, यू गेट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स। जैसे कि हमको गणपति बप्पा का हम लोग मूर्ति भी दिख गया, नॉट ओनली गणपति बप्पा का मूर्ति बट वी ऑल्सो गॉट टू सी इज दिस ऑफ हनुमान जी का ऑल्सो स्टैचू वी गॉट टू सी। गणपति जी बप्पा एंड हनुमान जी का स्टैचू मिल गया, मतलब कि अलग ही वाइब्स है, पॉजिटिविटी हो जाती है व्हेन वी गेट ऑल दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, मतलब ऑल द व्हेन वी गेट टू सी गॉड्स मूर्तिज एंड ऑल, मतलब अलग ही वाइब्स है गाइस जैसे कि देख रहे हो। सो ये ऑन द वे आ ही रहे थे तो सोचा कि इधर भी देख लूँ गाइस, मज़ा आ गया इधर देख के, पॉजिटिविटी मन पावन हो गया। सो गाइस, चलने में एक ना मज़ा आता ना आपको, जैसे कि मैंने गणपति जी का सीन दिखाने से पहले बोला था। सो वापस हम लोग चलते चलते जा ही रहे थे, हम लोग अभी जो लोकेशन में इट इज़ नोन एज नारायण पेट, तो वहाँ पे हम लोग को वापस अच्छा खासा वॉल में ही शिवाजी स्टैचू एंड मास्टर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू एंड बाला साहेब ठाकरे का स्टैचू भी दिखा। सो आप वो शॉर्ट्स में देख ही लोगे गाइस, मतलब कि एक अलग ही आनंद आता है चलने में इधर भी टू एक्सप्लोर दिस सिटी और एनी प्लेसेस, मतलब एक अलग ही मज़ा आ गया गाइस। तो हम लोग अभी रूम पे जाने वाले गाइस। सो वो स्ट्रीट जो है ना, मैं आपको बताना भूल गया गाइस कि जैसे कि मार्केट एरिया का स्ट्रीट था ना, दैट स्ट्रीट नेम इज सदाशिव। सो जब भी आपको कुछ भी मार्केटिंग करना है, इट वॉज स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह भी है उधर, जब भी कुछ करना है ना गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। और आई नो थोड़ा सा लाइटिंग थोड़ा कम है बिकॉज इधर लॉबी पे थोड़ा लाइट कम है, ब्लॉग करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लाइटिंग में, और थोड़ा सा इधर अच्छा खासा व्लॉग हो भी पा रहा है गाइस, थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है इधर बस, दैट्स इट। सो हम लोग अभी रूम में जाके मिलता हूँ मैं आपसे। सो गाइस, वी हैव मेड इट टू द रूम। सो थोड़ा सा रूम मेसी है बिकॉज हम लोग ने क्लीन करने नहीं दिया है। सो व्लॉग भी एंड कर लेते गाइस, विवेक इज जस्ट रेस्टिंग आउट देयर, बेचारा इतना थक गया आज पूरा दिन चल चल के। चलने में मज़ा आया बट एट द एंड ऑफ द टाइम थक जाते हो, तो मैं भी मानता हूँ गाइस। सो गाइस, अभी चेंज वेंज करके हो गए, अब हम जाएंगे नीचे, अभी लंच डिनर के लिए जाएंगे अभी गाइस, क्योंकि आज लंच भी थोड़ा ठीक ठाक ही हो गया और ज़्यादा भूख भी लग गई। आई नो अभी खाली 8 ही बजे, फिर भी हम जाएंगे डिनर के लिए। और थोड़ा सा इधर लाइटिंग का एकदम प्रॉब्लम है, इसलिए ब्लॉग करना इज रियली रियली डिफिकल्ट व्हेन देयर इज नो लाइटिंग अराउंड अस। सो धीरे धीरे पुणे का वेदर जो हो रहा है हल्का हल्का अच्छी खासी हो रही है, पता कि अभी जैकेट पहनने का जैसा हो गया। सो अभी वेदर तो अच्छा खासा है पुणे में, बट थोड़ा सुबह सुबह मतलब कि इन द सेंस आफ्टर 9 o'clock बोल दो, थोड़ा गर्मी होती है बट प्लेजेंट वाली, नॉट ऐसा पूरा हीट डाउन होती है। विवेक, हाउ इज़ द वेदर टुडे इन बॉम्बे, मतलब कि डू यू फील टायर्ड बिकॉज ऑफ द वेदर? नो, वेदर इज वेरी गुड। Yeah, in the afternoon also, weather is
in the afternoon also we didn't felt that it will be this na Vivek. Yeah. Because well, sometimes very pleasant. Yeah. Sometimes we will like dhoop mein jaane ke baad because of sun only we get tired. In Pune we didn't felt that guys. Abhi Pune mein kaisa hai ki abhi आई थिंक सो अर्ली मॉर्निंग को भी जैकेट लगता होगा एंड अभी भी लेट इवनिंग को भी यू नीड टू वेयर अ जैकेट लेट इवनिंग इन द सेंस अभी 8 बज गए तो वी आर वेयरिंग अ जैकेट विवेक तो दोपहर को सुबह भी थोड़ा जैकेट वैकेट पहनता था भीड़ वाले जगह पे जैसे कि देख रहे हो गाइस हम लोग को इधर चलने का जगह नहीं इसलिए हम लोग नीचे से आ रहे नीचे से होके आ रहे नो स्पेस ऑफ वॉकिंग थ्रू दैट पता नहीं इतना इतना गर्दी है आई थिंक सो दिस इज इट्स ऑल सेल्स एंड ऑल तो उसके जिसमें थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है सो अभी चल चल के अपना पहुँचने वाले पूरा स्ट्रीट मार्केट है जैसे कि देख रहे हो गाइस गाइस यहाँ पे चलना भी इतना मुश्किल हो गया था कि मेरे को लिटरली कैमरा बंद करना पड़ गया था क्योंकि इतना चलना इतना मुश्किल हो गया था कि और वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बिलोंगिंग्स आल्सो बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि कहाँ क्राउडेड होता है ना वहाँ पे आपका सामान स्टोल होने का भी चांसेस ज़्यादा है मतलब चोरी होने का सम चांसेस ज़्यादा है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल बिलोंगिंग्स हो चाहे वो वॉलेट हो या आपका मोबाइल फोन हो या हैंड वॉच हो तो ये सब टेक केयर करने की वजह से हम लोग ने अभी मैंने ब्लॉग थोड़ा सा कैमरा बंद कर दिया था हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट में आ चुके सो द रेस्टोरेंट विच इज़ नोन एज गुड लक कैफे सो दिस इज जस्ट इन द सम ऑफ द सर्कल तो सर्कल अभी आपको थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ कौन सा सर्कल है इतना ढूंढने के बाद वाला मिल चुका है अपने को लाइक अलग ही वाइब्स है और अभी थोड़ा सा कैफे टाइप का है बट ठीक है अपने को थोड़ा राइस दाल एंड चिकन वगैरह सब मिल गई रहा है तो अपने को अच्छी खासी बुक भी मिल जाएगी और guys we went to the restaurant but we had our dinner also but we were not satisfied with the food because it was not prepared nicely or wellly so uske jaisa hum logo ko thoda satisfactory nahi tha गाइस अपने साथ आए हैं आपका नाम क्या है रिजवान तो आप मतलब आप क्या काम करते हो मैं इधर का मैनेजर अच्छा अच्छा आप कितने साल से मैं 2017 से 2017 मतलब ये प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा ही पुराना बहुत पुराना है आज से आज हो गए ये 60-70 साल हो गए अच्छा 60-70 और कुछ अपने व्यूअर्स को बोलना चाहोगे आप हाँ बोलना चाहूँगा वीडियो आगे तक लेके जाने के लिए लाइक करो फॉलो करो जो भी है साथ दो भाई क्या और तो बाकी सब ठीक है आप ये वाला जगह कौन सा है भाई ये जगह है पुणे डेक्कन शिवाजी नगर पड़ता है आफ्टर रोड है ये होटल स्मार्ट इन है और ये पूरा यंगस्टर्स का जंक्शन ही बोल सकते हो हाँ यही बोल भी सकते हो पूरा क्राउड है आज मतलब आज ट्यूसडे होने के बाद भी इतना क्राउड है मतलब वीकेंड में तो कितना रहता रहेगा बहुत बहुत रहता है बोले बहुत और अपना इस्माइल भाई वापस ब्लॉग में हमारा सीनियर सो गाइस रिस्ट इन द रूम वंस अगेन सो ब्लॉग मैंने ना जो एंड किया है मैंने पहले कर चुका हूँ तो ब्लॉग एंड तो ब्लॉग देख लीजिए गाइस तो चलिए इस ब्लॉग को भी एंड कर लेते हैं आई होप सो ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा इफ यू लाइक दिस ब्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल डू फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल दिस इज माय आइडिया थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर अगर ब्लॉग अच्छा नहीं लगा तो यू कैन हिट द डिसलाइक बटन टू गाइस थैंक यू सो मच गाइस
और अभी कल मुंबई के लिए निकलना है गाइस, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को अपना एसडी कार्ड जो है आज जो सुबह सुबह करप्ट हो गया वो भी वापस मेरे को मयूर भाई को देना पड़ेगा कल, सभी उसको देने के लिए कल थोड़ा निकलना पड़ेगा जल्दी। अभी हम लोग यहाँ से जो भी बस में जाएंगे या कार में जाएंगे वो अपडेट आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, और मैं मिलता आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस। गाइस इट वाज अ रियली टफ। सो गाइस हम लोग अभी मार्केट एरिया में आ चुके हैं, मतलब कि